गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों आज का जो आपका टॉपिक है वो है अदर काइंड्स ऑफ टेलीग्राम। में फर्स्ट है आपका प्रेफरेंशियल टेलीग्राम। द टेलीग्राम विच आर रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, सीरियस इलनेस एंड एक्सीडेंट आर अ गिवन प्रेफरेंस। इट डज नॉट मैटर वेदर द टेलीग्राम इज गिवन बाई गवर्नमेंट और बाई एन इंडिविजुअल। In both of case, these kinds of telegram are given a preference. The sender of the telegram should write the word priority before the address of the receiver. जो preferential telegram होते हैं, ये जो telegram होते हैं ये serious illness या accident के लिए होते हैं। Especially ज़रूरी नहीं कि telegram government के हों, individually भी ये telegram दिए जा सकते हैं। और इस telegram को पहले ही priority दी जाती है, मतलब कि पहले ये telegram ही send किए जाते हैं। सेकेंड है आपका रिप्लाई टेलीग्राम। रिप्लाई टेलीग्राम कैन ऑल्सो भी सेंड एज रिप्लाई लेटर सेंड। द रिप्लाई टेलीग्राम इज सेंड टू द गेट क्विक रिप्लाई ऑफ द टेलीग्राम। द सेंडर विल हैव टू पे यूजर फीस ऑफ द टेलीग्राम एज वेल एज मिनिमम फीस फॉर द रिप्लाई टेलीग्राम। द सेंडर में इवन अ डिपॉजिट मोर मनी। इसके लिए जो रिप्लाई टेलीग्राम होता है सेंडर को थोड़ा ज़्यादा पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है। इसके बाद आपका आता है स्टेट टेलीग्राम। दिस टेलीग्राम इज सेंट ओनली बाय द गवर्नमेंट ऑफिसेस ओनली फॉर अ ऑफिशियल वर्क। जो स्टेट टेलीग्राम होता है ये गवर्नमेंट ऑफिसेस के ऑफिशियल वर्क के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इमीडिएट टेलीग्राम। दिस टेलीग्राम इज सेंट ओनली व्हेन द टॉप ऑफिसर ऑफ द स्टेट ऑर्डर टू डू सो। दिस टेलीग्राम इज गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी, इट इज सेंट इमीडिएटली। जो इस टाइप के टेलीग्राम होते हैं इसे इमीडिएटली सेंट किया जाता है। और स्पेशली जो मतलब टॉप ऑफिसर होते हैं स्टेट के, उन्हीं के ऑर्डर पे किया जाता है। ग्रीटिंग टेलीग्राम्स, इस टाइप के जो टेलीग्राम होते हैं ये ओकेजनली होते हैं, जैसे किसी को आपको बर्थडे, दिवाली, न्यू ईयर ये सारी चीज़ें विश करनी है तो इसके लिए आप ग्रीटिंग टेलीग्राम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका डीलक्स टेलीग्राम। डीलक्स टेलीग्राम क्या होता है? इफ़ अ पर्सन वॉन्ट टू यूज़ द फुल वर्ड इन अ प्लेस ऑफ अ सीरियल नंबर फॉर ग्रीटिंग टेलीग्राम ही कैन डू सो, बट देन ही विल हैव टू पे फीस अकॉर्डिंग टू ऑर्डनरी टेलीग्राम चार्जेस एज वेल एज ही विल हैव टू पे एन एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर द इनवॉल्व एड्रेस। डिलक्स टेलीग्राम के लिए जो आपके अमाउंट होते हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं, इसमें फुल वर्ड्स लिखे जाते हैं। मल्टीपल एड्रेस टेलीग्राम, इसमें क्या होता है, एक ही मैसेज को जब आपको कई पर्सन को, एक ही शहर के कई पर्सन को देने हैं तो इसके लिए हम मल्टीपल एड्रेस टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैसेज एक ही रहता है, मतलब जो मेन कॉपी होती है, और उसमें जितने लोगों को इसे देना रहता है उनको हम इनको एक ही शहर के अंदर सेंड कर देते हैं। और जो इसके लिए पेइंग रुपीज़ होती है वो 5 रुपये इनको देना पड़ता है। प्रेस टेलीग्राम, द प्रेस रिपोर्टर ऑफ अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और अ न्यूज़ एजेंसी कैन सेंड देयर मैसेज और न्यूज़ फ्रॉम अ वेरियस प्लेस टू देयर ऑफिसेस बाय टेलीग्राम। दिस टेलीग्राम आर नोन एज प्रेस टेलीग्राम। जो प्रेस टेलीग्राम होते हैं ये स्पेशली रिपोर्टर जो न्यूज़ एजेंसी में न्यूज़पेपर के मैसेजेस वगैरह डालते हैं उनके लिए होता है। नेक्स्ट है आपका फोनोग्राम। दिस देयर इज़ अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाई द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट टू सेंड द मैसेज थ्रू टेलीफोन। टेलीफोन के द्वारा ये मैसेज दिए जाते हैं। दिस मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेज इज कॉल्ड फोनोग्राम, जिसकी वजह से इसको हम फोनोग्राम के नाम से कहते हैं। इसमें हर शहर में एक टेलीफोन होता है जिसके द्वारा हम मैसेज को कन्वे किया करते हैं। इसके बाद आपका आता है ट्रेवलर टेलीग्राम। टेलीग्राम कैन ऑल्सो भी डिलीवर टू अ पर्सन ट्रेवलिंग बाई ट्रेन। द सेंडर हैज़ टू राइट द नेम ऑफ द पर्सन। इसमें आप जो सेंडर होता है वो पर्सन का नाम, उसका ट्रेन का ट्रेन, उसकी बोगी नंबर लिख देता है, जिससे कि स्टेशन पे ही वो मैसेज उसको मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका कोड एंड साइफर टेलीग्राम। द कोड और इंडिकेटिव लैंग्वेज इज ऑल्सो यूज इन अ सेंडिंग टेलीग्राम। देर आर डिफरेंट बुक्स ऑफ अ कोड अवेलेबल इन द मार्केट। जो कोड और साइफर टेलीग्राम होते हैं इसमें जो भी टेलीग्राम लिखे जाते हैं वो कोड में लिखे जाते हैं, और इन कोड की जो बुक होती है वो मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती है, जिसमें इनके कोड लिखे होते हैं। उस कोड के अकॉर्डिंग ही हम इनके मैसेजेस को सेंड करते हैं। जैसे यहाँ नीचे देव भी रखा है, जैसे हमें नवल लिखना है तो इसका जो नंबर है वो 1236 है। इसका मतलब है, कोड वर्ड है नवल, और इसका मतलब होता है गुड्स आर इन ट्रांसिट, मतलब कि ये नंबर है, इसका कोड वर्ड है, और इस कोड की ये मीनिंग होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है साइफर टेलीग्राम। साइफर टेलीग्राम क्या होता है? व्हेन द सेंडर वांट टू कीप द मैसेज कंप्लीटली सीक्रेट देन द साइफर टेलीग्राम आर सेंड। सच टेलीग्राम कैन बी रिटेन इन अ डिजिट और लेटर, बट यूजली साइफर टेलीग्राम आर रिटेन इन अ डिजिट। जनरली जो साइफर टेलीग्राम होता है ये डिजिट में लिखे जाते हैं, इससे जो हमारे मैसेज होते हैं उनकी सीक्रेसी बनी रहती है। अब कोड
टेलीग्राम और साइफर टेलीग्राम में डिफरेंस देखिए हम। कोड टेलीग्राम, विद द हेल्प ऑफ अ कोड एनी पर्सन कैन फाइंड आउट द मैसेज, मतलब कोड से कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से मैसेज को पा सकता है, जबकि जो साइफर टेलीग्राम होता है ओनली द पर्सन हु नो द कीवर्ड्स, जिसको कीवर्ड्स पता है वही उस मैसेज को पढ़ सकता है। इसमें आपकी जो मैसेज की मैसेज रहता है वो बहुत सीक्रेट रहता है। द मैसेज कैन नॉट बी कम्युनिकेटेड विदाउट द हेल्प ऑफ कोड, जो कोड टेलीग्राम होता है उसमें जो भी मैसेज होते हैं वो बिना कोड के आप नहीं समझ पाते हैं। साइफर टेलीग्राम आर सेंड विद द हेल्प ऑफ अ कोड एज वेल एज कीवर्ड, इसमें कोड के साथ साथ आपके कीवर्ड भी चलते हैं। एवरी पर्सन कैन यूज़ द कोड, दस दीज टेलीग्राम हैव अ वाइड सर्कुलेशन, हर एक व्यक्ति के पास कोड होता है इसलिए इसका जो सर्कुलेशन एरिया होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, जबकि साइफर टेलीग्राम का जो सर्कुलेशन एरिया होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है। विद द हेल्प ऑफ द कोड एंड बाय रेगुलर यूज देयर इज नो डिफिकल्टी फेस्ड बाय द पीपल इन अ फाइंडिंग आउट द मैसेज, टाइम टेकन इन द कोड टेलीग्राम ऑल्सो लेस इन द कंपेरिजन टू द साइफर टेलीग्राम। साइफर टेलीग्राम की अपेक्षा जो आपके कोड टेलीग्राम होते हैं वो इसमें समय टेलीग्राम देने में कम लगता है, जबकि जो साइफर टेलीग्राम होता है इसमें समय और टाइम दोनों ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट है आपका मैथड ऑफ कम्युनिकेटिंग थ्रू साइफर टेलीग्राम, इसमें क्या होता है कि अ कीवर्ड इज़ यूज टू सेंड अ साइफर टेलीग्राम, डैट कीवर्ड शुड बी नोन टू द सेंडर एज वेल एज टू द रिसीवर, द कीवर्ड इज़ द वर्ड बाय द हेल्प विच इज़ द साइफर टेलीग्राम आर कन्वर्टेड इन टू द सिंपल लैंग्वेज। इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें हम सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, और ये कीवर्ड जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप इस मैसेज को नहीं समझ सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सम अदर इंफॉर्मेशन अबाउट टेलीग्राम। रिपीटेशन ऑफ टेलीग्राम, एट द टाइम इट मे हैपन डैट द सेंडर ऑफ अ टेलीग्राम वॉन्ट टू रिपीट फुल और सम पार्ट्स ऑफ द मैसेजेस फॉर रीजन और द अदर, दिस कैन बी डन बाई द पेइंग हाफ द पेमेंट फॉर द वर्ड विच आर रिपीटेड, इवन द रिसीवर ऑफ द टेलीग्राम कैन मेक अ रिक्वेस्ट ऑफ रिपीटेशन ऑफ द मैटर रिसीव थ्रू आर टेलीग्राम, इफ एनी मिस्टेक इज फाउंड देन द मनी डिपॉजिटेड इज रिफंडेड। रिपीटेशन ऑफ टेलीग्राम में क्या होता है, कभी कभी जो सेंडर होता है वो किसी चीज़ को बार बार रिपीट, मतलब मैसेज को रिपीट करता है, इसलिए इसे रिपीटेड टेलीग्राम के नाम से जानते हैं। यदि इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपके पैसे जो होते हैं वो वापस रिफंड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कैंसिलेशन ऑफ अ टेलीग्राम, इफ सम वन मेकिंग द टेलीग्राम आफ्टर सबमिटिंग द टेलीग्राम फ्रॉम वॉन्ट टू गेट द टेलीग्राम कैंसिल, कभी कभी टेलीग्राम देने के बाद हम चाहते हैं वो टेलीग्राम कैंसिल हो जाए, इट कैन बी डन सो आफ्टर डिपॉजिटिंग द फिक्स चार्जेस, तो इसके लिए हम फिक्स चार्जेस डिपॉजिट करते हैं। इन द केस ऑफ मैसेज इज नॉट सेंड बाई द टेलीग्राफ ऑफिस वैन होल ऑफ द चार्जेस पेड आर रिफंडेड, लेकिन यदि ये मैसेज टेलीग्राफ ऑफिस नहीं किया तो इसके पैसे अभी आपको वापस मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्लेन, इफ़ द सेंडर ऑफ द टेलीग्राम कम टू नो डैट द नेलिगेंस हैज़ बीन कमिटेड बाई द पोस्ट ऑन टेलीग्राम डिपार्टमेंट इन सेंडिंग द टेलीग्राम, ही कैन मेक अ रिटन कंप्लेन टू द पोस्ट मास्टर ऑफ द एरिया विद इन अ मंथ ऑफ अ सेंडिंग द टेलीग्राम। इसके में जो भी कंप्लेन होती है वो हम पोस्ट मास्टर को उस एरिया के कंप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है रिसीविंग कॉपी ऑफ टेलीग्राम, इफ़ वन हु हैज सेंड द टेलीग्राम वॉन्ट टू हैव द कॉपी ऑफ द मैटर ऑफ द टेलीग्राम ही कैन हैव द सेम बाई डिपॉजिटिंग द रिक्वेस्टिंग फीस। एंड लास्ट है आपका लेट फीस, इवन आफ्टर द नॉर्मल वर्किंग आवर्स ऑफ द टेलीग्राम डिपार्टमेंट द अथॉरिटीज प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ सेंडिंग मैसेजेस बाई द टेलीग्राम, बट फॉर दिस सर्विस सम एक्स्ट्रा चार्जेस आर टू बी पेड। अब हम आते हैं कम्युनिकेशन थ्रू अ टेलीफोन। आप सब जानते हैं बच्चों टेलीफोन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ अ क्विक कम्युनिकेशन, आज के समय में कम्युनिकेशन का सबसे क्विक माना जाता है। इट इज़ ऑल्सो पॉपुलर बिकॉज द कॉलर एंड द रिसीवर बोथ आर इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, क्योंकि इसमें जो कॉलर होता है मतलब जो सेंडर होता है जो रिसीवर होता है वो एक दूसरे के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है। इट हेल्प्स इन अ कीपिंग कॉन्टैक्ट डायरेक्टली विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसमें वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से हम एक दूसरे के साथ बहुत आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। यही रीज़न है कि हमारे यहाँ आज टेलीफोन के द्वारा बड़े बड़े बिजनेसेस हैंडल किए जाते हैं, हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो हम एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं बहुत आसानी से। यही रीज़न है कि हमारे यहाँ जितने भी इस समय बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो प्रोफेशनली मतलब टेलीफोन के द्वारा एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे की सारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत आसानी से बिजनेस कर सकते हैं। अब टेलीफोन में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है लोकल कॉल। लोकल कॉल नाम से समझ में आ रहा है, द टॉक ऑन अ डिफरेंट टेलीफोन इन द सेम टाउन, एक ही टाउन के अंदर जो कॉल होती है वो लोकल कॉल के नाम से जानी जाती है। इसमें क्या होता है, एक एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज पे टेलीफोन होता है और एक ही टाउन के अंदर हम एक दूसरे के साथ बहुत आसानी से बात कर सकते हैं। हमें उसके लिए नंबर डायल करना पड़ता है, हम चाहे तो ऑपरेटर की हेल्प से भी ये काम करवा सकते हैं। दूसरा होता है ऑटो टेलीफोन ट्रंक कॉल। ट्रंक कॉल में क्या होता है, जो टेलीफोन होता है ये वन टाउन टू अनदर,
द टेलीफोन एक्सचेंज मेक आ अरेंजमेंट फुल ट्रंक कॉल फॉलोइंग आर द मैथड ऑफ मेकिंग, मतलब एक जगह से एक शहर से दूसरे शहर में किया जाता है। अब इसमें देखो, पहला होता है ऑर्डनरी ट्रंक सर्विस, ये क्या होती है, दिस फैसिलिटी कैन बी अवेलेबल थ्रू द टेलीफोन एक्सचेंज, द सब्सक्राइबर टेल द ऑपरेटर द नंबर टू बी डायल, जो सब्सक्राइबर होता है वो ऑपरेटर को नंबर देता है, डायल कर देता है नंबर। इसमें क्या होता है, ऑर्डनरी या अर्जेंट होता है, द ऑपरेटर विल कॉन्टेक्ट विद द टेलीफोन एक्सचेंज ऑफ द टाउन एंड इन दिस वे लाइन इज कनेक्टेड बिटवीन द बोथ प्लेस आर द कॉल मेटेरियलाइज, द 3 मिनट्स आर द यूनिट फॉर अ ट्रंक कॉल। ट्रंक कॉल की जो यूनिट होती है वो 3 मिनट की होती है। इसके बाद यदि इसकी मिनट्स चलते हैं तो उसके हिसाब से आपको पैसे देने पड़ते हैं, जो भी चार्जेस होते हैं वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका टेलेक्स, दिस डे बिग बिजनेस हाउसेस और ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ट्रेवल एजेंसी एसेट्रा टेक द हेल्प ऑफ टेलेक्स मशीन एंड सेंड मैसेज। टेलेक्स मशीन के द्वारा बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये सब काम कर रहे हैं। नाउ अ पर्सन कैन सेंड अ मैसेज बाय टेलेक्स विदाउट द हेल्प ऑफ द टेलीफोन एक्सचेंज, बिना टेलीफोन एक्सचेंज के हम किसी को भी मैसेज आसानी से भेज सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका पर्टिकुलर पर्सन कॉल, इसमें क्या होता है, इफ़ द सब्सक्राइबर वॉन्ट टू टॉक टू ओनली अ पर्टिकुलर पर्सन देन ही शुड टेल द ऑपरेटर द नेम ऑफ द पर्सन एट द टाइम ऑफ बुकिंग द कॉल, ही हैज़ टू टेल द नंबर नेम द टाउन एंड द नेम ऑफ द पर्सन, उस शहर का नाम उस पर्सन का नाम देना पड़ता है फॉर पीपी कॉल, इसको हम पीपी कॉल के नाम से भी जानते हैं। सब्सक्राइबर हैज़ टू पे एक्स्ट्रा चार्ज, इसके लिए सब्सक्राइबर को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, अंडर दिस फैसिलिटी द पर्सन कैन मेक ट्रंक कॉल विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीफोन एक्सचेंज, विदाउट टेलीफोन एक्सचेंज के हम इसमें कॉल कर सकते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द टाउन हैव दिस फैसिलिटी, ज़्यादातर टाउन में इस तरह की फैसिलिटी पाई जाती है। सपोज अ पर्सन इंटेंट टू टॉक हिज फ्रेंड इन अ लखनऊ देन विल हैव टू डायल द कोड, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जो लखनऊ में किसी व्यक्ति से काम बात करना चाहता है तो पहले उसको लखनऊ के कोड को लगाना पड़ेगा, देन उसको टेलीफोन नंबर लगा के एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। इसे हम स्टडी फैसिलिटी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कंट्री के किसी भी कोने में बात कर सकता है। इस फैसिलिटी के लिए भी डायरेक्ट डायलिंग इज नोन एज इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, जिसको हम ISD के नाम से जानते हैं। इसमें कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट कोड्स होते हैं जिनको लगाने के बाद हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सम अदर्स इंपॉर्टेंस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पहला है मोबाइल टेलीफोन या सेलुलर रेडियो टेलीफोन सिस्टम, दिस सिस्टम अलाउ सब्सक्राइबर टू कम्युनिकेट बाई मीन्स ऑफ अ रेडियो लिंक वेन दे आर ऑन द मूव, इन ऑर्गेटिन इन दिसंबर 1985 दिल्ली टू नाउ अवेलेबल इन द मेजर ऑफ इंडिया, द सेलुलर रेडियो टेलीफोन सिस्टम इज एन इम्प्रूव वर्जन ऑफ द मोबाइल टेलीफोन एलिमिनेटिंग यूज द केबल, मतलब ये एक ऐसा कम्युनिकेशन था जो विदाउट केबल के भी काम करता था, इसलिए इसे हम वायरलेस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका टेलीप्रिंटर, टेलीप्रिंटर इज़ यूज्ड बाय द मेजर न्यूज़पेपर फॉर कलेक्टिंग न्यूज़ रिलेटिंग टू द अदर कंट्रीज, अदर कंट्रीज से ये न्यूज़पेपर के लिए न्यूज़ कलेक्ट करता है। फैक्स सिस्टम, फैक्स सर्विस प्रोवाइड ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन थ्रू द प्रिंटेड वर्ड बिटवीन द सब्सक्राइबर इन द सिटीज एंड अ टाउन प्रोवाइडेड विद इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज, फैक्स सब्सक्राइबर इस्टेब्लिश दिया ओन कनेक्शन, इनके अपने ओन कनेक्शन होते हैं और ये टेलीफोन एक्सचेंज के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक शहर और टाउन से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनल टेलीफोन एक्सचेंज, इन बिग हाउस ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफिसेज देयर आर मेनी डिपार्टमेंट लाइक परचेज, सेल्स, अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन एसेट्रा, एवरी डिपार्टमेंट हैज़ टू ओन ऑफिसर एंड ईच ऑफिसर हैज़ अ डिफरेंट टेलीफोन कनेक्शन, हर एक बिजनेस में बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और इस डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर होते हैं वो एक दूसरे के द्वारा कनेक्ट होते हैं और उन वो कनेक्ट जो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से बात टेलीफोन के द्वारा ही करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रेडियो पेजिंग, दिस इज़ द वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम, ये दूसरा कम्युनिकेशन सिस्टम का रास्ता है जिसके द्वारा सब्सक्राइबर एरियल सिग्नल के फॉर्म में मतलब कॉल को पेजर कर सकता है। आप देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है टेलीफोन डायरेक्टरी क्या होती है, टेलीफोन डायरेक्टरी एक ऐसी डायरेक्टरी होती है जिसमें डिफरेंट एक ही शहर में मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोगों के नाम के साथ उसके नंबर लिखे होते हैं जिन्हें हम बहुत आसानी से इस डायरेक्टरी से नेम के द्वारा सर्च कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपको इसका क्वेश्चन आंसर आता है जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।